वही यानी यही तय था कि अगर उनको जानते हो तो मेल बैठ जाएगा। आज स्थिति इतनी बदली है 2014 के बाद, गरीब से गरीब सही मायने में गांव में देहात में जंगलों में मानव जात के लिए समाज के कल्याण के लिए समर्पित भाव से काम करता है ऐसे लोगों को पद्म सम्मान मिलता है। और समाज के ऐसे लोगों का जब सम्मान बढ़ता है तो समाज की भी शक्ति अनेक गुना बढ़ जाती है। वैसे ही शहरों में रेहड़ी वाले ठेले वाले पटरी पर काम करने वाले जो सब्जी बेचते हैं फल फूल बेचते हैं दूध बेचते हैं अखबार बेचते हैं वे भी छोटे छोटे लोग स्वाभिमान के साथ जिए ऐसे मेहनत कर साथियों के बारे में पहले सरकारों को सोचने की फुर्सत ही नहीं थी, उनके लिस्ट में ये काम ही नहीं थे। लेकिन आपके इस सेवक ने पीएम स्वनिधि योजना की मदद से आज ऐसे लाखों रेहड़ी पटरी वाले सामान्य काम करने वाले लोगों के जीवन को उनके परिवार के जीवन को बदला है। तो कोई नहीं पूछता, मोदी उनको पूछता भी है और मोदी उनको पूजता भी है। कोई कपड़े धोने का काम करता है, कोई जूते बनाने का काम करता है, कोई राजमिस्त्री है, कोई लोहार है, कुम्हार है, सोनार है, बढ़ई है, मूर्तियां बनाता है, पत्थरों में कलाकारी करता है, ऐसे अनेक जो मेहनत करके रोजी रोटी कमाते हैं, ऐसे लोगों को सरकारों ने अपने हाल पर छोड़ दिया था, वो जाने उनका काम जाने। ये आपका सेवक है जो ऐसे साथियों का जीवन बदलने के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना लेकर आया है। यानी जो कीरत करता है उसको सम्मान दिया जा रहा है। और मोदी एक और काम कर रहा है, जो बेईमानी करता है उसे उसके पाप की सजा देने के लिए भी उतना ही काम करता है। आप मुझे बताइए, बेईमानों से मुक्ति मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? ये बेईमानी करने वालों को सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? चुनाव में सबसे पहले उनको पराजित कर करके सजा देंगे कि नहीं देंगे? मेरे भाइयों बहनों, मैं आज आपको गारंटी देने आया हूं, जिसने गरीब को लूटा है उसे छोड़ा नहीं जाएगा। यहां राजस्थान में भी वो दिन दूर नहीं जब गरीबों को लूटने वाले सलाखों के पीछे दिन गढ़ते होंगे। मेरे परिवारजनों, हमारे सेवा काल में बंड छकों की परंपरा सशक्त हुई है, गरीब कल्याण की, जन कल्याण की,
सबका भला करने की नई परंपरा देश में हमने विकसित की है। देश का करदाता ईमानदारी से कमाता है, फिर वो ईमानदारी से टैक्स भरता है। लेकिन 2014 से पहले क्या होता था? ईमानदारी से टैक्स भरने वाले का पैसा घोटालों में लूट जाता था और गरीब मध्यम वर्ग के हाथ कुछ भी नहीं लगता था। यहां राजस्थान में बीते 5 वर्षों में क्या हुआ है, इसकी पूरी कथा लाल डायरी में लिखी है। डायरी लाल है, कारनामे काले हैं। और इन दिनों तो देखिए, लूट के जो लॉकर खुल रहे हैं, लॉकर, और लॉकर खुलते हैं तो उसमें से नोटों के ढेर निकलते हैं, सोने की ईंटें निकल रही है। ये कांग्रेस का पाप सामने ला रहा है। साथियों, बीते 9 वर्षों में टैक्स देने वालों की संख्या बढ़ी है। करदाता को भी भरोसा है कि भाजपा सरकार पाई पाई का सदुपयोग करेगी। क्या किसी ने कभी कल्पना भी की थी कि भारत में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिलेगा? याद कीजिए वो दिन जब कोरोना का कालखंड था, कोविड था, पूरी दुनिया पर मौत मंडरा रही थी, हर किसी के मन में सवाल होता था कि इससे बच पाएंगे कि नहीं बच पाएंगे। कोई किसी की चाहते हुए भी मदद नहीं कर सकता था। घर से बाहर निकलना यानी मौत को बुलावा देना, ये हाल थे। बाहर कारोबार ठप हो गए थे, लेकिन ये आपका सेवक सोता नहीं था। और मैंने तब किया था कि 80 करोड़ मेरे देशवासी, इनके घर का चूल्हा बुझने नहीं दूंगा। गरीब को भूखा सोने नहीं दूंगा। मां की आंख में आंसू आने नहीं दूंगा। और देशवासियों ने जो टैक्स दिया उसे हमने अपने पास नहीं रखा, बल्कि बंड छको यानी गरीबों की थाली के लिए दे दिया। और भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, जब भूखे को खाना मिलता है तो वो आशीर्वाद देता है कि नहीं देता है? जरा वो पीछे स्टेडियम है वो भी बताइए, आशीर्वाद देता है कि नहीं देता है? ऐसा कोई पवित्र काम करे तो पुण्य मिलता है कि नहीं मिलता है? जब इस देश के 80 करोड़ लोगों को 3 साल से मुफ्त में खाना मिल रहा है तो आशीर्वाद मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? पुण्य मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ये पुण्य किसके खाते में जाएगा? जरा जोर से बताइए, पुण्य किसके खाते में जाएगा? पुण्य किसके खाते में जाएगा? पुण्य किसके खाते में जाएगा?
पीछे वाले बताएं पुण्य किसके खाते में जाएगा। आप सबका जवाब गलत है, ये पुण्य मोदी के खाते में नहीं, ये पुण्य आपके खाते में जाएगा जिन्होंने वोट देकर मोदी को बिठाया है। आपने मोदी को बिठाया इसलिए मोदी ये सेवा कर पा रहा है और इसलिए इस पुण्य के हकदार आप हैं। आपके वोट के कारण ये पुण्य का काम हो रहा है और इसीलिए आपका पुण्य और बढ़े, आपको भरपूर आशीर्वाद मिले, इसलिए मोदी ने संकल्प किया है कि 80 करोड़ लोगों को और 5 साल के लिए ये मुफ्त राशन दिया जाएगा। हमने टैक्स के पैसों से गरीबों को पक्के घर बना करके दिए और अभी मुझे हेलीपैड पर कुछ साथियों से बात करने का मौका मिला, वो कह रहे थे ये पक्के घर जिनके हक बनता था उनको हक दिलाने की रजिस्ट्री भी यहां की सरकार ने बंद करवा दी थी, क्योंकि लोग पक्का मकान मिलता था तो मोदी मोदी करते थे तो इनकी सरकार की नींद उड़ जाती थी तो उन्होंने पक्के घर बनाना ही बंद कर दिया। बोले हमने मुफ्त पक्के घर दिए, मुफ्त शौचालय दिया, मुफ्त गैस कनेक्शन दिया, मुफ्त बिजली कनेक्शन दिया। गुरुओं के संस्कारों ने ही मुझे गरीब की सेवा का यह सामर्थ्य दिया है। मेरे परिवारजनों, एक तरफ आपके इस सेवक का सेवा भाव है और दूसरी तरफ राजस्थान में कांग्रेस सरकार का लूट तंत्र है। राजस्थान के किसान ने, कर्मचारी ने, व्यापारी ने, सबने ईमानदारी से टैक्स दिया, लेकिन बदले में उनको क्या मिला? टूटी फूटी सड़कें, गलियां, नालियां, बिजली का अभाव, पानी का अभाव, कमर तोड़ महंगाई और बेरोजगारी। जो पैसा गरीब मध्यम वर्ग किसान के हित में लगना चाहिए था उसको विधायक मंत्री लूट गए, उसको खनन माफिया, पेपर लीक माफिया, ट्रांसफर पोस्टिंग माफिया, इस जमात ने लूट लिया। आसपास के राज्यों में देखिए, ये राजस्थान में देखिए, उत्तर प्रदेश में पेट्रोल का दाम देख लीजिए, पड़ोस में गुजरात है उसका पेट्रोल का दाम देख लीजिए, पड़ोस में हरियाणा है उसका पेट्रोल का दाम देख लीजिए। ये तीनों राज्य राजस्थान के अगल बगल में है और तीनों राज्य में भाजपा की सरकार है। आपको यहां जो पेट्रोल डीजल का भाव पैसा देना पड़ता है वहां उससे 12-13 रुपया कम है, यहां आपको 12-13 रुपया लीटर पर ज्यादा देना पड़ता है। ये माल चोरी किसके लिए कर रहे हो रे जादूगर? इससे आम खाने पीने के सामान से लेकर आपकी सिंचाई खेती की लागत तक कई गुना बढ़ गई है। केंद्र सरकार ने पेट्रोल के दाम घटाए, भाजपा की राज्य सरकारों ने पेट्रोल के दाम घटाए, लेकिन राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने ऊपर से आपसे ज्यादा पैसा वसूल करके आपसे हजारों करोड़ रुपए मार लिए। जब भी आप अपनी गाड़ी में पेट्रोल भराएं तो ये जरूर याद रखें कि जो पैसा आप दे रहे हैं उसका हिस्सा कांग्रेस की लूट का हिस्सा है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, कि 3 दिसंबर के बाद यहां जब भाजपा की सरकार बनेगी
ये पेट्रोल के दामों की कीमतों की समीक्षा होगी और जो भी गरीब मध्यम वर्ग किसान के हित में होगा वो निर्णय भी लिया जाएगा। मेरे परिवारजनों, जहां भी कांग्रेस की सरकार होती है वहां उसकी प्राथमिकता भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद होती है। कांग्रेस कभी आपकी जरूरतों की चिंता नहीं रहती। अब तो कांग्रेस राजस्थान में नशे के तस्करों को भी बढ़ावा दे रही है। अभी हमारे साथी मुझे बता रहे थे कि हमारे लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है, हम अपने बच्चों को कैसे बचाएं। हर मां रात रात भर रोती रहती हैं कहीं बच्चे इस बुरी आदत में न फंस जाए। ड्रोन से नशा आए, राजस्थान सरकार सोती रहे। और कहते हैं पुलिस को भी पांचों उंगली घी में हो गई है। भाइयों बहनों, ये नशा हमारे बच्चों को ही नहीं हमारे भविष्य को भी तबाह कर देगा, बर्बाद कर देगा, एक एक परिवार को बर्बाद कर देगा। मैं आपको भरोसा देता हूं, यहां भाजपा सरकार बनते ही नशे के तस्करों पर ऐसी कार्रवाई होगी, ऐसी कार्रवाई होगी, इसे सुनकर के देख करके और लोग भी कांप जाएं, इतनी कठोरता से काम करेंगे। साथियों, और मैं वोट के लिए नहीं कह रहा हूं, आपके बच्चों की जिंदगी बचाना ये मेरा दायित्व है। और इसलिए माताएं बहनें, मेरी ये बात घर घर पहुंचा देना। इस क्षेत्र की एक बहुत बड़ी चुनौती को कांग्रेस सरकार नजरअंदाज कर रही है। मुझे बताया गया है कि हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर से जब कैंसर ट्रेन बीकानेर जाती है तो उसमें सीटें तक नहीं मिलती, मरीजों की इतनी ज्यादा भीड़ होती है। ये कैंसर का बहुत बड़ा प्रमाण, इतनी बड़ी कैंसर का फैलाव जितने भी कारणों से है, कहते उसमें एक पानी भी कारण है, प्रदूषित पानी। देश के हर घर तक शुद्ध पीने का पानी से पाइप, पाइप से पानी पहुंचाने का काम, इसके लिए हमने जल जीवन मिशन अभियान चलाया है। मैंने राजस्थान के आप परिवारजनों को नल के लिए भी हजारों करोड़ रुपए भेजे हैं, लेकिन यहां की कांग्रेस सरकार ने इसने भी घोटाला कर दिया और आपको विषैला पानी पीने के लिए छोड़ दिया। मुझे बताइए, जिस कांग्रेस को आपके जीवन की परवाह नहीं है, ऐसी कांग्रेस को एक भी दिन रहने का हक है क्या? आप ऐसी कांग्रेस को रहने देंगे क्या? पूरी तरह से सफाई करेंगे क्या? देखिए, अभी अभी दिवाली गई है, हमारी माताएं बहनें घरों में 15-15 16-16 घंटे काम करती हैं, हर दिन घर का हर कोना साफ करती हैं, बहुत बारीकी से करती हैं। लेकिन जब दिवाली आती है ना, तो खोज खोज करके छोटी छोटे कोने 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 में भी सफाई करती है। दिवाली आई तो इतनी सफाई करती, इतनी सफाई करती है। मेरे भाइयों बहनों, ये चुनाव भी लोकतंत्र की दिवाली है, ऐसी सफाई करो, ऐसी सफाई करो, कहीं कांग्रेस एक कोने में भी ना बचे।
करोगे सफाई, हर कोने से कांग्रेस को साफ करोगे। ये माताओं बहनों से बहुत कुछ सीखने जैसा है जी, सीखोगे। और माताएं बहनें, आप दूसरी दिवाली मनाओगे, आप भी सफाई का काम जारी रखोगे। मेरे परिवारजनों, कैंसर और हर बीमारी का उपचार हो, घर के पास हो, ये भाजपा सरकार की प्राथमिकता है। इसलिए हमने हजारों आयुष्मान केंद्र गांव-गांव में खोले हैं। अब इनको लोग आयुष्मान आरोग्य मंदिर भी कहने लगे हैं। हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर में मेडिकल कॉलेज भी इस बात का प्रमाण है कि भाजपा सरकार आपकी सेहत को कितना महत्व देती है। मोदी सरकार का आयुष्मान कार्ड भी आपके बहुत काम आने वाला है। आयुष्मान कार्ड सिर्फ राजस्थान में नहीं, बल्कि आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने में हो और अचानक जरूरत पड़ गई तो ये मोदी का गारंटी कार्ड दिखा दीजिए, जेब में एक पैसा नहीं होगा तो भी आपका पूरा उपचार होगा। मेरे परिवारजनों, मोदी को मिट्टी और किसान दोनों की चिंता है। यहीं से हमने किसानों को सॉयल हेल्थ कार्ड देने की शुरुआत की थी। आज देश भर के किसानों को उसका फायदा हो रहा है। अब मैंने प्राकृतिक खेती को लेकर बहुत बड़ा अभियान शुरू किया है। इससे किसान की लागत कम होगी, लाभ अधिक होगा और मिट्टी की सेहत भी अच्छी रहेगी। हमारे लिए किसान का कल्याण ही प्राथमिकता है। कांग्रेस की तुलना में खेती का बजट भाजपा ने 5 गुना बढ़ाया है, 5 गुना। धान हो, गेहूं हो, दलहन हो, तिलहन हो, हमने एमएसपी भी कई गुना बढ़ाया और खरीद भी कई गुना अधिक की। लेकिन यहां की कांग्रेस सरकार ने तो ज्वार बाजरा किसानों को एमएसपी तक ठीक से नहीं दिया। कांग्रेस ने हमेशा कर्ज माफी का झूठा पिटारा लेकर निकलती है। पिछली बार भी यह किया था, लेकिन उल्टा हजारों किसानों की जमीन नीलाम कर दी। और मुझे अभी कुछ कार्यकर्ता मिले, वो बता रहे थे कि बिल्कुल फ्रॉड था, किसी किसान को फायदा नहीं हुआ। कांग्रेस ने नकली बीज, मुझे बताया गया, बोले नकली बीज का कारोबार किया, आपको तो एक बार मुनाफा हुआ लेकिन मेरे किसान का तो साल बर्बाद हो गया और मिट्टी भी बर्बाद हो गई। किसानों को कर्ज में डुबो दिया उन्होंने। कपास की लाखों हेक्टर फसल जो बर्बाद हुई है, कांग्रेस को उसका जवाब देना होगा। जिन्होंने किसान को ठगा है उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। साथियों, राजस्थान भाजपा ने संकल्प लिया है कि किसानों से एमएसपी पर खरीद भी करेंगे और बोनस भी देंगे। राजस्थान भाजपा ने यह भी तय किया है कि पीएम किसान सम्मान निधि के तहत राजस्थान में 12,000 रुपया किसानों को देंगे। भाजपा सरकार लाखों करोड़ रुपए सिर्फ इसलिए खर्च कर रही है ताकि किसान को सस्ती खाद मिले। दुनिया में यूरिया की जो बोरी है वो करीब करीब 3,000 रुपए में मिलती है। यूरिया की बोरी 3,000 में मिलती है, ये आपका सेवक किसानों को हिंदुस्तान में 300 से भी कम रुपए में यूरिया की बोरी देता है। यहां की कांग्रेस सरकार आप तक खाद नहीं पहुंचने देती है, उसमें भी घोटाला करती है। मेरे परिवारजनों, भाजपा सरकार विरासत और विकास दोनों के महत्व को देती है। गुरु नानक देव जी ने पूरी दुनिया में मानवता की सेवा के लिए अपने निशान छोड़े। अफगानिस्तान में युद्ध हुआ तो हम अपने नागरिकों के साथ साथ पवित्र गुरु ग्रंथ साहब के स्वरूपों को भी पूरे अदब के साथ माथे पर उठा करके वापस लाए। करतारपुर राहदारी को खोलने की कांग्रेस ने कभी हिम्मत नहीं की। ये काम भी सेवक के हाथ होने के से लिखा था और हो गया। गुरुओं के प्रकाश पर्वों को देश दुनिया में पूरी शान से मनाना हो या फिर साहबजादों के बलिदान को समर्पित बाल दिवस की, वीर बाल दिवस की घोषणा आपकी इस इच्छा का पालन भाजपा ने किया। आज केरल का बच्चा भी
वीर बाल दिवस का कार्यक्रम करता है, उसे पता चलने लगा है कि ऐसा बढ़िया बलिदान दिया गया था, लेकिन आज तक किसी को मालूम नहीं था। भाइयों, भाजपा ने ही 1884 के सिख दंगों के आरोपियों को जेल भेजने पर का भी काम किया है। मेरे परिवारजनों, ये राजस्थान का हमारा सीमावर्ती क्षेत्र है, पीलीभंगा के लोग जानते हैं सरहद की सुरक्षा कितनी जरूरी है, लेकिन कांग्रेस की सरकार में आपके इलाके में भी राष्ट्र विरोधी ताकतें सर उठा रही है। 3 दिसंबर को जब भाजपा की सरकार बनाएंगे तो देश विरोधी ताकतों के खिलाफ भी तेजी से काम किया जाएगा। आज भाजपा की प्राथमिकता सीमावर्ती गांव भी है। कांग्रेस ने सीमावर्ती गांवों को आखिरी गांव बना दिया था, हम इनको देश के पहले गांव के रूप में विकसित कर रहे हैं। हमने इसके लिए वाइब्रेंट विलेज योजना शुरू की है। वाइब्रेंट विलेज योजना से हमारे बॉर्डर के गांव और विकसित होंगे, वहां सुविधाएं और तेजी से पहुंचेगी और वहां पर्यटन भी बढ़ेगा। देश के बड़े और चौड़े हाईवे हो, इकोनॉमिक कॉरिडोर हो, वे इस क्षेत्र की ताकत बढ़ाने वाले हैं। महसाणा, भटिंडा, गुरदासपुर गैस पाइपलाइन के पाली हनुमानगढ़ खंड को लोकार्पण का अवसर मुझे हाल में ही मिला था। इससे क्षेत्र में बहनों को पाइप से सस्ती गैस का रास्ता साफ हुआ है। यहां गैस आधारित उद्योगों और गाड़ियों के लिए नए अवसर बने हैं। साथियों, अब मतदान के लिए सब कुछ ही दिन देश है, बहुत कम समय बचा है। आपको भाजपा की ऐसी सरकार बनानी है जो गुंडों, दंगाइयों, भ्रष्टाचारियों, अत्याचारियों से मुक्ति दे। इसलिए आज राजस्थान में एक ही संकल्प गूंज रहा है, एक ही संकल्प गूंज रहा है, कमल चुनेगा राजस्थान। बोलेंगे आप, कमल चुनेगा राजस्थान, जरा जोर से बोलिए, कमल चुनेगा राजस्थान, कमल चुनेगा राजस्थान, कमल चुनेगा राजस्थान। मैं एक वाक्य बुलाता हूं, आप लोगों ने बोलना है, कमल चुनेगा राजस्थान। बोलेंगे, दोनों हाथ ऊपर करके बोलेंगे, वो पीछे खड़े हैं वो भी बोलेंगे, पूरी ताकत से बोलेंगे, दोनों हाथ ऊपर करिए। और मैं बुलवाता हूं, विकसित देश, खुशहाल किसान, पेपर माफिया की बंद हो दुकान, भ्रष्टाचार का काम तमाम, नशा मुक्त भारत बने हमारी पहचान, बहन बेटियों का होगा सम्मान। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.